नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भोपाल, प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि किसानों के खाते में नहीं पहुंचने से भारतीय किसान संघ नाराज है, जिसको लेकर भारतीय किसान संघ ने मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में बीमा कंपनियों के दहन किया। इसके साथ साथ किसान संघ के बैनर तले किसान प्रदेश के समस्त जिलों में धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। भारतीय किसान संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह अंजना, प्रदेश महामंत्री चंद्रकांत गौर सहित सैकड़ों की संख्या में किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कमल सिंह का कहना है कि बीमा कंपनियों और कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही के चलते यह परेशानी आ रही है। किसान संघ प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना जी, आज सभी कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है बीमा को लेकर, क्या कुछ मांग? भारतीय किसान संघ ने आज प्रदेश व्यापी पुतला दहन और बीमा कंपनी का किया है। पूरे प्रदेश के अंदर जो बीमे में हंतालियाँ हुई है, मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने क्लिक करके सारे पैसे एक ही दिन में सब खातों में डाले थे, पर कहीं भी खातों में किसी के आ गए, किसी के नहीं आए। जैसा कि किसी के खाते में 5 लाख का प्रतीक के रूप में उन्होंने चेक दिया है, पर उसके खाते में देखेंगे तो 3 लाख रुपए ही है। इस प्रकार की जो बीमा कंपनी ने गड़बड़ की है, उसको लेकर सारा आंदोलन किया है जी। कहाँ कहाँ किया है? सारी मध्य प्रदेश के सभी जिलों में हुआ जी। अब हमने जो मांग रखी है कि जो सूची है बीमा की, इसकी किसान को कितना मिला है, वो पटवारी हलके पर उपलब्ध कराई जाए, कलेक्ट्रेट उसकी सूची जारी करवाए, कृषि विभाग उसकी सूची जारी करवाए, और अगर इस प्रकार का कुछ निर्णय नहीं होता है और नहीं दे पाते हैं तो फिर अगले चरण में क्या करेंगे? किस जिले में कितना क्लेम बना, इसकी भी सूची ऊपर से दी जाए, कलेक्ट्रेट उसकी सूची जारी करे जी। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि अगर इस प्रकार से अगर नहीं 7-8-10 दिन में नहीं हुआ तो फिर कलेक्ट्रेट। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल and press the bell icon.